नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। दोस्तों भारतीय यूजर्स के डाटा को प्राइवेसी को देखते हुए पिछले बीते कुछ ही दिनों पहले 59 चेरी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशन के बाद 49.7 और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। पिछले शुक्रवार को सरकार ने इन 47 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इन एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार ने जवाब दिया है कि भारतीय यूजर्स के डाटा की चोरी रोकने के लिए इन चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। पहले जिन एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया था सभी भारतीय यूजर्स का डाटा चोरी कर रहे थे। इन सब कारणों की वजह से 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया गया था। दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं टेक्निकल विज्ञान जी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल विज्ञान जी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, जाकर मुझे वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। दोस्तों सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 59 और 47 ऐप्स के बाद 275 एप्लीकेशन पर सरकार की नज़र में, जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसमें पबजी जैसे कई बड़े एप्लीकेशन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 275 एप्लीकेशन में से ज़्यादातर शायोमी यानी यमाई और अलीबाबा ग्रुप के हैं। इसके अलावा बायटी डांस, यू लाई समेत कई चीनी कंपनियों के ऐप शामिल हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, भारत में पबजी गेम सबसे ज़्यादा खेला जाता है, इसके यूजर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो सकते हैं जो अभी खेलते हों। आप हमें कमेंट करके बताएं आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे। सो दोस्तों एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों मित्रों ने, दोस्तों ये ऐप बहुत ही फेमस हुआ था, कहा जा रहा था टिकटॉक का टक्कर देने मोदी जी ने लॉन्च कर दिया मित्रों ने। आखिरकार दोस्तों ये ऐप्स पाकिस्तानी निकला, आप समझ सकते हैं। दोस्तों पिछले महीने भारत सरकार ने टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, यूसी मिनी समेत चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुताबिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने पाया था कि यह सभी चाइनीज एप्लीकेशन डाटा चोरी जैसी गतिविधियों को एग्जाम दे रही है। इन्हीं सभी को देखते हुए दोस्तों 47 ऐप्स पर 47 ऐप्स पर बैन किया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल पे गया जी, जो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, जाकर मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद जय भारत। पबजी बैन होने की आशा है। दोस्तों पबजी भी यह बैन हो सकती है इंडिया में। दोस्तों इसके यूजर्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपके मन में जो भी सवाल होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और जी हाँ दोस्तों, इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आपके मन में जो भी सवाल होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जय हिंद।